हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू पुनीत ठकराल लोग, जय श्री राम। यार आजकल एक चीज चल रही है, अभी विराट कोहली जो है उनको T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती उनकी। क्या ये सही बात है कि उनकी T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती? यार जितने भी अभी तक इस बार जो वर्ल्ड कप के मैच हुए थे ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर जो जिन्होंने बनाए थे वो विराट कोहली थे, और जो सेलेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं विराट कोहली की जगह नहीं बनती। यार मतलब ये तो सोच भी नहीं सकता कि उसकी जगह नहीं बनती। यार एक प्लेयर या तो फॉर्म से गुजर रहा हो, या हाँ मानते हैं वो इनिंग्स बिल्ड करने का काम करता है, लेकिन यार वो तेज भी खेलता है। स्ट्राइक रेट उनका ओडीआई में 100 से ऊपर का है। अगर वो T20 खेलते हैं तो T20 में भी वो अच्छे से ही खेल सकते हैं और स्ट्राइक रेट ऊपर करके खेल सकते हैं। लेकिन आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप विराट कोहली को नहीं खिलाएंगे? लास्ट टाइम भी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विराट कोहली हाई स्कोर थे, और मेलबर्न में जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था उसमें सोच सकते हो आप कि विराट कोहली ना होता, वो उसके मुंह से मैच लेके अपनी झोली में डाल सकती थी इंडिया। यार ये क्या लोग हैं जो ये ऊपर बैठे हैं, क्या सोच सकते हैं कि विराट कोहली को अगर मैं खुद हैरान हूं कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती टीम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप में, जो कि अगले साल जून में होना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रोहित को जो कि पहले थोड़ा डाउट था, लेकिन अब उनको शायद लीड करने के लिए भी इंडिया को दिया जाएगा टीम। हाँ एक और चीज, रोहित शर्मा जो है वो अभी भी आते थे तो अच्छे रन बना के स्टार्टिंग में तेज खेल के चले जाते थे, लेकिन इनिंग जो बिल्ड करने का काम होता था वो होता था विराट कोहली का। और कोई प्लेयर बता दो जो उनके साथ इनिंग बिल्ड करता था। यार KL राहुल विराट कोहली से अच्छा बताओ, उनको T20 में खिला रहे हैं। सूर्य कुमार यादव मैं मानता हूँ T20 में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म में है उससे बेस्ट फॉर्म आज अभी तक किसी प्लेयर की नहीं है लेटेस्ट में। यार उधर तो वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कितना स्लो खेलते हैं यार, वो टीम के प्रोफेशनल प्लेयर है। और हमारे विराट कोहली को ये ऐसे बोल रहे कि आप टीम में जगह नहीं बनती। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कौन लोग बैठे हैं जो ऊपर भाई जो कह रहे विराट कोहली की जगह नहीं बनती। विराट कोहली को तीसरा नंबर है, और ये एक बार उसको लास्ट वर्ल्ड कप है। विराट कोहली को तो ऐसा प्लेयर है कि उसको खुद ही कहेगा भाई मेरा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खेलूंगा। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली की T20 टीम में डेफिनेटली जगह बनती है, और ये सोचना भी नहीं चाहिए। और रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, इन तीनों को, या शुभमन गिल की जगह आप यशस्वी जायसवाल को खिला सकते हैं, वो एक अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप विराट कोहली को हटाने की सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मेरा मानना है विराट कोहली को कंटिन्यू करना चाहिए, टीम इंडिया के साथ जाना ही चाहिए, और सेलेक्टर्स को बिना सोचे समझे ये चीज पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए कि वो विराट कोहली के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। उसकी जगह ईशान किशन यार आज का बच्चा, उसको उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो तुम लोग? यार 50-100 हैं उसके ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।